and his wife sitting together. The wife is requesting the husband, old husband, chant, chant, chant. And the husband is replying, chant, chant, chant. Chaitur Rabbanam Marjanam Baba Mahadevardi Nirvartanam Shri Kalyarvi Chandrika Vitarnam Vidyavadu Jeevanam Ananda Bodhi Vardhanam Pratipadam Purnam Vita Svadhanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Chant, 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 chant the holy name. So Daman are the three prongs of Durga's trident to remind our duty to our eternal friend. Whole world is in a mad rat race, but we remain a rat as if caught in a maze. Money can neither buy happiness, nor love or trust or peacefulness. Flickering pleasures only come and go, like nectar turning into poison we know. Youth and fun are temporary phrases, but old age, disease, deaths are horrible facets. The glamour of modern day electronic gadgets make you blind to the ultimate facts. Cosmetics, makeup, hair dye and facelifts can't stop old age, disease and death. है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। इसे आद्रा इस्कॉन मंदिर के भक्तों के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर संपूर्ण भागवत के विशेष चरित्रों का गान होगा संध्या 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। मैं आपका दास प्रशांत मुकुंद दास इस कथा का वाचक हूँ और सभी भक्त बड़े उत्साह में हमारे साथ आए हैं। अद्वैत गोसाई प्रभु थोड़ा बोलेंगे मंगला में बताई थे हमारे संगे अजय प्रवक्ता पूरा भागवत सप्ताह प्रवक्ता।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो हम लोग आए हैं आद्रा जो कि वेस्ट बंगाल में है और ये बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर इतनी सुंदर लैंडस्केपिंग है। अभी हम जहाँ बैठे हैं इसे जयचंदी पहाड़ी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर यहाँ का वातावरण है। इतने सारे सरोवर हैं यहाँ पर और इतनी सुंदर खेती है यहाँ पर चावल की। यहाँ पर गुड्स ट्रेन का ट्रैक है जो कि हमारे दिल्ली से पुरी की तरफ जाता है। तो यहाँ पर हमारे एक प्रिय भक्त हैं प्रेम कृष्ण प्रभु, ये धनबाद में रहते हैं और इन्हीं के प्रयास से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस्कॉन आद्रा के डिवोटीज ने किया है, जहाँ पर मुख्य रूप से और भी कई सारे प्रेमी भक्त हैं। उदयानंद प्रभु हैं, राहुल प्रभु हैं, बहुत सारे भक्त हैं, आकाश प्रभु हैं जो कि मेनली देख रहे हैं। तो प्रेम कृष्ण प्रभु जो है ये स्पेशल इन्विटेशन मेरे को बोले कि आना है प्रभु जी। प्रभु जी प्रेम कृष्ण प्रभु अपना मोबाइल पार्ट्स का काम करते बिजनेस करते पर धनबाद से 7 दिन के लिए सारा काम धंधा बंद करके यहाँ पर भक्तों की प्रसाद सेवा अरेंजमेंट सब देख रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मेरी प्रभु जी कोई ऐसी योग्यता नहीं है, बस यही कहूंगा प्रभु जी बहुत दिन बाद हाथ में आए हैं। मेरी बहुत, जब मैं शुरू से भक्ति में आया था तो मेरी बहुत इच्छा थी कि खास, क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ, प्रभु जी दिल्ली में रहते हैं, कथा करते रहते हैं पूरे विश्व में, फिजिकली जाते हैं और जूम पर भी हैं। मेरी इच्छा होती थी कि खास प्रभु जी कथा करें और मैं सामने बैठकर कथा सुनूं और नोट्स बनाऊं। वो कल मेरा सपना पूरा हुआ और आद्रा के भक्तों ने मिलकर प्रभु जी को यहाँ बुलाए हैं श्रीमद् भागवतम कथा के लिए। 7 दिवसीय कथा है, बहुत अच्छे प्रयासों के बाद इनको बुलाया गया, लेकिन प्रभु जी इतने सिंपल है कि बिना किसी प्रयास के प्रभु जी यहाँ आ गए, हाँ कर दिए प्रभु जी ने। और आज जो भी कुछ हूँ प्रभु जी ने कहा कि मेरे प्रयास बिल्कुल भी इसमें मेरा प्रयास नहीं है थोड़ा भी, कि
क्योंकि प्रभु जी ने मुझे उस काबिल बनाया है कि मैं प्रयास कर पाऊंगा, वरना मुझे कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही बोलूंगा कि सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रभु जी यहाँ श्रीमद् भागवतम कथा के लिए आए, आभार है प्रभु जी आपका। Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo bolo to aaj hum apni is Adra yatra mein is West Bengal ke ek special village mein gaon mein aaye hain jise Adra kehte hain aur इस आद्रा शहर जो कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है वेस्ट बंगाल के, जहां पर प्यारे प्यारे भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, हर एक किलोमीटर पे चलने पर आपको एक मंदिर मिलेगा। लेकिन आज हम एक ऐसे मंदिर पर आए हैं जो कि 600 साल पुराना मंदिर है। यहां पर आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे, औरंगजेब के जमाने पर यहां पर आक्रमण हुए, मंदिर तोड़े गए, लेकिन श्री श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर आज भी यहां भक्तों के दर्शन के लिए विराजमान है। हमारे बीच में यहां के गांव के एक भक्त हैं जो कि यहां पर पूरा लीड करते हैं इस मंदिर को, इन्होंने इसका पुनरुत्थान किया, निर्माण किया है। तो प्रभु जी हमको बताएंगे, प्रभु जी आपका नाम आप बताएं। मेरा नाम उत्पन्न नंदी है। उत्पन्न नंदी प्रभु जो है ये यहाँ रहते हैं और हर साल भागवत कथा करवा रहे हैं, 4,000-5,000 लोग आते हैं। इन्होंने हमारी भागवत सुनी इस यात्रा में और फिर इन्होंने अपना भाव व्यक्त किया कि भागवत होनी चाहिए राधा मदन मोहन जी के यहाँ, तो हम आज इस दर्शनीय स्थल पर आए। तो ये कितना पुराना मंदिर है यहाँ पर? ये अनुमानिक 600 साल पुराना मंदिर है। 600 साल पुराना। जब मुगल ने अर्थवर्ष में आक्रमण शुरू किया तब ये मंदिर हुआ। ये पौराणिक जो पुराना आदमी है वो सब बताते हैं। तो यहाँ ये जो विग्रह है, मूर्तियां है, ये 600 साल पुरानी है या फिर बाद में इनकी स्थापना किया है? 1980 के दशक में, 1980 में इसकी स्थापना हुई इस मूर्ति की बनारस से। और ये मंदिर का ओरिजिनल मूर्ति तो यहाँ पर चला गया। अच्छा, ओरिजिनल चला गया, कहाँ गया ओरिजिनल मूर्ति? चला गया सुताबोई या कलकत्ता है।
लेकिन ये मूर्तियां जो है ये 1980 में यहाँ पर स्थापना किया, ये बनारस से आई थी, बनारस से मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, मार्बल की यहाँ विग्रह है, बहुत ही सुंदर विग्रह है और बहुत शांत वातावरण है यहाँ का। यहाँ पर एक वट वृक्ष भी है जिसके आपको दर्शन कराएंगे। आइए हम लोग चलते हैं वट वृक्ष की ओर। तो ये जो वट वृक्ष आप देख सकते हैं इसमें इतनी एनर्जी, हमने इसको टच किया ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत ही वरिष्ठ संत यहाँ पर विराजमान है, 600 साल से यहाँ पर है, इनके अनेक अनेक तने निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसको बड़ पेड़ को बोलते हैं, वट वृक्ष है, इससे पीपल और अन्य अन्य पेड़ भी इसके अंदर से निकल गए हैं, तो बड़ा अद्भुत है। तो उत्पानंदी प्रभु हमें बताएंगे इस पेड़ की अद्भुत घटनाओं के बारे में। इस पेड़ में अद्भुत घटना है, ये पहले ये बात है, ये जो पेड़ है जब मंदिर हुआ, मंदिर तो ऐसा पौराणिक बात है जो एक दिन में मंदिर हुआ, तब का समय में यहाँ पर 3 गाछ लगा हुआ है, 1 बट वृक्ष है, 2 पीपल गाछ है। ये गाछ सब 600 साल पुराना, ये आनुमानिक सब बोलता है 600 साल पुराना गाछ है। गाछ का मतलब पेड़ होता है बंगाली में। बंगाली में जब हम लोग कोई टेंशन में है, कोई कैसे भी है, इस मंदिर में आके इस पेड़ का नीचे बैठ के कोई बैठेगा तो उसको सुकून मिलता है, वो टेंशन माइंड से आउट हो जाता है। इस पेड़ का, इस मंदिर का ऐसा एक महत्व है। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया, इस मंदिर का शांति का अनुभव होता है। आइए देखते हैं, इसको स्पर्श करते हैं, कितनी शांति का अनुभव होता है इस पेड़ को। तो इसमें अद्भुत एनर्जीज है, संत का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अब हम चलेंगे राधा मदन मोहन जी के विग्रह के दर्शन करने के लिए। आइए आइए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं श्री राधा मदन मोहन जी, बहुत ही सुंदर विग्रह है। बोलो श्री राधा मदन मोहन की जय। तो इसकी मंदिर की हम परिक्रमा लगा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना चारों तरफ सुंदर जंगल का वातावरण है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि महाप्रभु की यह वह स्थली है जहाँ पर महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन निकाला। आज भी यहाँ पर 24 घंटे हरिनाम होता, 3 दिन का अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है, हर वर्ष भागवत कथा होती है। आप देखिए कितना सुंदर यहाँ पर एक ग्राउंड है, इसमें बहुत सुंदर यहाँ पर वातावरण है, इतना अनुभवशील, आप आराम से यहाँ भजन कर सकते, कीर्तन कर सकते, और एक अद्भुत आपको भक्ति की अनुभूति होगी यहाँ आने से। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है भक्तों के साथ यहाँ पर, हमने बहुत सारा कीर्तन भी किया आज सुबह आकर के, और अभी कुछ ही जल्दी यहाँ पर 3 का अखंड हरिनाम होने वाला है। हर वर्ष ये लोग होली पर, गौर पूर्णिमा पर यहाँ भागवत सप्ताह भी करवाते हैं, तो अगली बार अगर हो सका तो हम लोग भागवत कथा यहाँ करेंगे। ये सभी गाँव के यहाँ पर भक्त लोग हैं, तपस प्रभु है यहाँ पर, प्रभु जी है समल समर प्रभु है यहाँ पर, तो ये बहुत ही अच्छे भक्त हैं, रोज कथा में बहुत सेवा करते हैं। यहाँ पर आद्रा में कथा चल रही है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी ये जो मदन मोहन मंदिर है इसमें हमें मिले हैं परीक्षित महाराज, वो परीक्षित जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी से सुना था, वैसे ही परीक्षित ये है। ये आज हमको एक अद्भुत कहानी सुनाने वाले इस मदन मोहन मंदिर की, कि इसके जो ओरिजिनल विग्रह थे वो यहाँ से कहाँ चले गए हैं और कैसे चले गए हैं। भगवान ने स्वयं इस बात का अनुभव अपने भक्त पुरोहित को कराया, वो कहानी सुनाएंगे हमारे बीच में प्रभु परीक्षित प्रभु। पहले एक घटना किया, यहाँ से एक दिन पूजा हुआ, तो पूजा हुआ का मतलब जितना प्रसादी था उससे ज्यादा भक्त हो गया। ज्यादा भक्त हो गया तो पुरोहित घबरा गया, इतना ज्यादा भक्त में थोड़ा प्रसादी कैसे बांटेगा, कैसे बांटूंगा। तो आकाशवाणी से उसको शब्द हुआ जे जितना प्रसादी है उसका कपड़ा ढक दीजिए, कपड़ा लेके दबा ढक दो, कपड़ा दिया ढक दिया ढक दीजिए, तो कपड़ा ढक दिया और उसका अंदर अंदर से जितना भक्त है सबको बांट दिया, सबको बांट दिया। लेकिन समस्त जितना भक्त है सबको प्रसादी मिल गया। तो उसी रात में वही पुरोहित को एक सपना मिला, हाँ। जो हम यहाँ से लेके चलो, अच्छा यहाँ स्थान से ले जाओ, इसका स्थान से लेके चलो।
तो पुरोहित यहाँ से लेके गया जो सिंहासन था उसका ऊपर ओरिजिनल विग्रह था उसको लेके गया रात में। रात कौन सी जगह लेके गए? यहाँ से चला गया पुरुलिया जिला में वही सुताबोई ग्राम। सुताबोई ग्राम, सुताबोई ग्राम, और बाद से सुताबोई से कलकत्ता चला गया ओरिजिनल विग्रह। अच्छा अच्छा, वही पुरोहित लेके गया आगे भी? ना उसका मालूम नहीं, लेकिन वहां से ओरिजिनल विग्रह नहीं, वहां से कलकत्ता चला गया। कौन सी जगह है कलकत्ता में ये मालूम है? कोलकाता हमको सुना है नंदी परिवार जो है ना, नंदी परिवार, हाँ नंदी परिवार से उसको रखा गया है। क्योंकि हमारे स्कॉन के जो आचार्य थे श्रील प्रभुपाद जी, वो भी राधा गोविंद जी की पूजा करते थे, तो वो लोग मलिक परिवार से थे और उनके वहाँ पर एक मंदिर था राधा गोविंद। अच्छा अच्छा, तो क्या वो मंदिर वो है कि नहीं मालूम नहीं, मालूम नहीं, लेकिन नंदी परिवार से हम सुना है कि नंदी परिवार से गया। हाँ, तो उसके ये कौन से सन में आए मूर्ति? ये मूर्ति बनारस से नया मूर्ति लेके आए 1980। हाँ 1980, माने एक्चुअल 1980 है। तो आपने सुना कितनी अद्भुत घटना है यहाँ पर भगवान स्वयं। हम सुना, मेरा दादाजी इस तरह की तो हमारा उम्र मुहूर्त नहीं है, आई एम नाउ 59 इयर्स। अच्छा, मेरा दादाजी से मुझसे सुना जनपद। ठीक है दादा, आपने खूब धन्यवाद। जय मदन मोहन हरे। Yeah.
कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे 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 आज की जो भागवत कथा का समापन हुआ तो इसकी शुरुआत 7 अप्रैल को हुई थी और इस कथा के पीछे हम लोग का जो अथक मेहनत है ये लगभग आज से इसका जो बीज था वो 2021 में ही बो दिया गया था। सर्वप्रथम हम लोग कुछ भक्त अचानक से YouTube में प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के द्वारा एक वीडियो देखा था मृत्यु के बाद का सच, और उसको देखने के बाद हम लोग को काफी अच्छा लगा और उसे देखने के बाद हम लोग उनके और भी वीडियोस को देखने लगे। फिर जैसे जैसे भगवान जैसे भगवत गीता में बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां स्थितेव भजाम्यहम्, जो जैसा मेरी भक्ति करता है मैं उसकी वैसे ही सहायता करता हूँ। तो वैसे ही हम लोग जैसे उनको देखना चाह रहे थे, उनका संग करना चाह रहे थे, उनसे बातचीत करना चाह रहे थे, तो इसका ही अनुभव हम लोग को इस तरह से हुआ कि 2022 में प्रेम प्रभु जी किसी कारणवश इस आगरा राधेश्याम सुंदर मंदिर में आए और वो यहाँ पर प्रसाद पाने आए थे, किसी काम से आए थे और प्रसाद पाने इस मंदिर में आए। फिर उनसे परिचय हुआ, फिर पता चला कि वो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के अंदर में ही है, उनके काउंसलिंग में ही है। तो बस हम लोग को एक रास्ता मिल गई और फिर हम लोगों ने उनसे यूट्यूब के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रशांत मुकुंद प्रभु से जुड़ने का आग्रह किया। फिर उनके ही वजह से हम लोग फिर आगरा मंदिर के कुछ भक्तवृंद लगभग 8-10 भक्तवृंद उनसे उनके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं और रेगुलर कथा सुनते रहते थे, कथा सुनते थे, क्लासेस करते थे, कुछ भी प्रश्न उत्तर होता था तो वो भी करते थे। फिर हम लोगों ने ये मन बना लिया कि इस बार की अगर भागवत कथा हुई तो उनके द्वारा ही की जाएगी और हम लोगों ने ये निश्चय किया था। और अचानक से एक दिन हमारे आकाश प्रभु ये बताते हैं इस साल जनवरी महीना में ही कि इस बार हम लोग प्रशांत मुकुंद प्रभु को बुलाएंगे और बस उनके कहने भर की देर थी। वो कहे और हम लोगों ने किसी ने मना भी नहीं किया क्योंकि हम लोग खुद चाह भी रहे थे और बस इसी तरह से ही देखते देखते आज की ये भागवत कथा मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गया और हम लोग बहुत ही खुश हैं। उनके द्वारा बताए गए जितने भी बातें हैं वो क्या है कि गहन अध्ययन करके वो बताते हैं, तो क्या होता है कि वो अपने मन से बताते हैं, शास्त्र अध्ययन करके बताते हैं, तो क्या है कि भक्तों के या श्रोताओं के कानों के अंदर से होकर हृदय में प्रवेश कर जाती है और वो याद भी रह जाती है। इतने ही अच्छे तरीके से वो बताते हैं कि उसको दोबारा सुनने की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है या किसी और के पास जाने की भी बहुत कम ही जरूरत, सारे चीजों का ही संग्रह उनके पास है, चाहे वो सूर्य ग्रहण के बारे में हो, चंद्र ग्रहण के बारे में हो, किसी व्रत त्योहार के बारे में हो, कोई भी चीज का अगर संशय होता है तो उनके यूट्यूब चैनल में हमें ये मिल जाता है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही खुश है कि आज के ये भागवत सप्ताह समापन हुआ। हरे कृष्णा। आपका यूट्यूब चैनल देख रही हूँ और नेहा माता जी के ग्रुप में भी हूँ और तो बहुत इच्छा था कि मैं आपको सामने से देखूं। और भगवान जी आप जैसा बोलते हैं कि जो भक्त का इच्छा होता है भगवान जी किसी किसी न रूप में दे देते हैं, वो तो ऐसा ही हुआ कि मैं आपको सामने से देख पाई, सुन पाई, बहुत आनंद आया प्रभु जी। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग यूट्यूब से जुड़े और प्रभु जी को सुने, क्योंकि प्रभु जी को सुनने से मुझे बहुत भक्ति में आगे बढ़ने का ये मिला है और मैं बहुत कुछ सीखी हूँ प्रभु जी से। तो अपना नाम बोल दीजिए मुझे। प्रभु जी मेरा नाम पुनीता सिंह है और दीक्षा का नाम है पुण्यमय यमुना देवीदास। पुण्यमय यमुना माता जी की वैष्णव देव नमो नमः। सबसे पहले हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी जो हमारे शिक्षा गुरु है उनको बारम्बार उनके श्री चरण कमलों में दास का दंडवत प्रणाम, और सभी भक्त जो आए हैं दिल्ली से उनको भी प्रणाम है, सादर प्रणाम है, और आगरा के सभी भक्तों का जो इतने मोटिवेट हुए हैं और सपोर्ट किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो मुझे कुछ बोलना नहीं आता, मैं माइक पर पहली बार आया हूं, अगर कुछ गलत बोल दूं तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपना कुछ रियलाइजेशन आप लोग के साथ शेयर करूँगा। लॉकडाउन की बात है, जब लॉकडाउन लगी थी इंडिया में उसके पहले मुझे भक्ति का भाव ही नहीं मालूम था, कुछ नहीं पता था मुझे,
अचानक से प्रभु जी का मैंने एक वीडियो देखा था, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग भी देख सकते हैं, मृत्यु के बाद का सच। आप लोग जरूर देखिएगा सभी लोग इस वीडियो को, मृत्यु के बाद का सच, प्रसाद मुकुंद प्रभु जी टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो जरूर ये मिलेगा। उसको मैंने देखा 2019 में, और लॉकडाउन के बाद से मैं प्रभु जी का थोड़ा थोड़ा वीडियो देखता था, स्मॉल स्मॉल। मैं प्रभु जी से कभी मिला नहीं, प्रभु जी से मैं 5 सालों से जुड़ा हूँ, ये प्रभु जी से मेरी तीसरी बार भेंट है, 2 बार पहले मिल चुका हूँ और ये तीसरी बार भेंट है। प्रभु जी हम लोग को सिखाते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं आप अपने मन से मत करो, आप जो गुरु का निर्देश है, जो गुरु कहते हैं उस हिसाब से आप करो, आपके अंदर जरूर परिवर्तन होगा। मैंने बताया मैं मिला नहीं प्रभु जी से, कभी नहीं मिला, मात्र 2 बार एक तीसरी बार भेंट है। प्रभु जी हमेशा बताते हैं, एक भगवद गीता का फेमस श्लोक है, तत्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। इसका मतलब है 4वें अध्याय का शायद 34वां नंबर श्लोक है प्रभु जी, उसमें बताया भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि पहले तुम जाओ विनित भाव से, जो तुम्हारे गुरु हैं, जो प्रमाणिक गुरु हैं, उनकी खोज करो और उनकी सेवा करो, उनके हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, जो वो चाहते हैं वो करो, और उसके बाद से अब वो जब प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वो स्वरूप प्रसिद्ध है, प्रमाणिक है, वो प्रमाणिक गुरु परंपरा में आए हैं, तो उनसे वो प्रसन्न हो जाए तब आप उनसे प्रश्न करो, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर समझ लो कि आपकी आध्यात्मिक गाड़ी खुल गई वहां से। ये हमारा जो इस्कॉन सेंटर है, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत से खड़ा किया है और उनको आगे बढ़ाने का हमारे प्रसाद मुकुंद प्रभु जी कर रहे हैं। बस ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा कि प्रभु जी की सिर्फ ये 7 दिवसीय भागवत कथा तो हो गई है, अब इसको ठंडा नहीं पड़ना है, अब हम ही लोग, हम सभी को करना, मैं भी करूंगा, मैं भी कर रहा हूँ। यूट्यूब पर प्रभु जी की बहुत सारी कथाएं हैं, आपको जो भी समस्या है, कोई भी समस्या हो, मन नहीं लगता हो, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है या हिंसा हो रही है, कुछ भी XYZ या आध्यात्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़े, अब क्या करें, वो लिखकर बगल में लिखिए प्रशांत मुकुंद, प्रशांत लिखिए, उसके बाद मुकुंद प्रभु जी खुद ही आ जाएगा वो, है ना, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, और वो हर एक चीज का सवाल का जवाब मिलेगा आपको वहां पर। और आप सच मानिए, मैं बता रहा हूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे वीडियो को देखकर प्रभु जी के करीब आया, और दो लॉकडाउन में मेरी बहुत इच्छा होती थी कि प्रभु जी से कैसे मिले, क्योंकि जिस गुरु को आप सुन रहे हो उससे आपको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है तो अंदर इच्छा जगती है ना, काश उनसे मुलाकात हो जाए, तो मुझे लगता था मेरी कहाँ से मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा भगवान अरेंजमेंट करते हैं, कृष्ण अरेंजमेंट करते हैं सब कुछ, ये सच्चाई है। मैंने ये भी अपने मन में सोचा था कि प्रभु जी भागवत करें और मैं बैठकर उनको सुनूं, हम सभी, वो आज इच्छा पूरी हो गई मात्र 2 सालों में। अगर आप सच्चे हृदय से जो भी चाहते हैं वो भगवान जरूर पूरा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम भक्ति भी करते रहें, हम मांस मछली भी खाते रहें, हमको ऐसे गुरु मिल जाए, तो भगवान वैसे भी गुरु आपको देंगे। भगवान चैत्य गुरु है, इनकार कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाऊं, भक्ति में आगे बढ़ूं, इस जीवन को बर्बाद ना करूं, तो वैसे भी आपको गुरु मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। और अंत में मैं एक श्लोक बोलूंगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 5वें अध्याय का 7वां नंबर श्लोक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुरुवन अपि न लिप्यते। इसका मतलब है, मुझे टूटा फूटा आता, ज्यादा नहीं आता प्रभु जी की तरह, उन्हीं से सीखा हूं। इसमें कहा जाता है कि जो योग युक्तो, जो योग से कनेक्ट है, जो भगवान से कनेक्ट है, हम लोग योग करते हैं ना बाबा रामदेव का, नाक से अनुलोम विलोम, तो योग वो शरीर के लिए हो गया, वो योग मतलब होता है प्रभु से कनेक्ट होना, तो कौन कनेक्ट कराएंगे, हमारे गुरु कनेक्ट कराते हैं हमसे, और कोई नहीं करा सकता है। तो जो योग से कनेक्ट है, योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा, जो विशुद्ध आत्मा है ना, जो पवित्र है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीता है, अपने इंद्रियों को वश में किया, वो सभी के प्रिय होते हैं और वो उनके प्रिय होते हैं। इसके जीते जागते एग्जांपल हमारे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी है, हम सब प्रभु जी से प्यार करते हैं या नहीं बताइए, इस कथा के बाद सब लोग बोलेंगे 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण